नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स और मैं हूं ऋषभ सिंह रावत आपके साथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जी हां, एक ऐसा नाम जिसको फुटबॉल जगत या पूरे विश्व में किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर ऑफ हिस जनरेशन एंड आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन कल उनके लॉयर और लीगल टीम से ऐसा बयान आया है जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। जी हाँ, उनके बयान के मुताबिक उन्होंने सेटलमेंट फी दी थी अपने रेप एक्यूज को, वो भी थी $3,75,000 US, जो उसको हम अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपी में तो वो लगभग होगी 2.7 करोड़। तो ये उनके तरफ से बहुत ही बड़ा बयान आया, क्योंकि आपको हम बता दें, दरअसल 2009 में तो वो यूनाइटेड से मैड्रिड शिफ्ट कर रहे थे एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर के बाद। तो एक पार्टी हो रही थी लास वेगस में जहाँ पर मॉडल थी कैथरीन मयोर्गा। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि आफ्टर द पार्टी उन्होंने कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की रोनाल्डो ने उनके ऊपर, और उन पर रेप का इल्ज़ाम लगाया। और उसके बाद अगले साल उनको जब लीगल टीम ने कंसिडर किया ये बात, तो दोनों के बीच में मुलाकात हुई, एक डील, एक पैक्ट बना दोनों के बीच में कि हम आपको ये सेटलमेंट फी देंगे और आपको इसे कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, यानी गोपनीय मैटर रहेगा दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, और किसी भी तरह का आप ना मीडिया को ना कोर्ट के पास जा सकती हैं इस मैटर को लेके। तो उस बात पे अग्रीमेंट हुआ, उन्होंने पूरी फीस दी और इस मामले को रफा दफा करने की बात की। लेकिन अब हम सीधे स्ट्रेट जंप करते हैं 2018 अक्टूबर में, जब #MeToo मूवमेंट चल रहा था। जी हाँ, आपको याद होगा वो मूवमेंट जब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे नोन पर्सनस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्हें किसी ने ज़बरदस्ती की है, किसी ने उनको ईव टीज किया है, बहुत तरह का हैरेसमेंट किया है, फिजिकल या मेंटल। और उसके बाद ये वापस आई है मॉडल। जी हाँ, इनका नाम था कैथरीन मयोर्गा। इन्होंने कहा था कि उस टाइम मेरे पर दबाव डाला गया, मेरे से एडवांटेज लिया गया, मेरे इमोशनल स्टेट का बहुत लोगों ने दबाव डाला, तो इस चक्कर में मैंने वो मामला मान लिया था और उस अमाउंट में मैं थोड़ा संतुष्ट हो गई थी। लेकिन अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि जब ये वापस खुला है मामला जून में, हालांकि 2019 में जून में जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्निटी थी नेवाडा, क्योंकि लास वेगस में केस हुआ था तो नेवाडा अटॉर्निटी के पास केस गया था, उन्होंने कहा था कि ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस हम इस मामले को यहीं बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो डीएनए भी मंगाया था रोनाल्डो का, वो डीएनए सैंपल्स मैच नहीं किए, और ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों के बीच में इंटीमेसी थी लेकिन वो कंसेंशुअल थी, यानी दोनों पार्टियों के मंजूरी में हुआ था जो हुआ था। लेकिन अब ऐसा बयान आया है तो लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि अगर ये ऐसा था तो आपको सेटलमेंट फी देने की क्या जरूरत थी। हालांकि रोनाल्डो के मैनेजर और उनके लीगल टीम ने भी कहा है उनकी छवि खराब कर देता वो, और जो छवि खराब हो जाती है तो हम जैसे एज अ फुटबॉल को नेशनल आइकन मानते हैं और रोल मॉडल मानते हैं, तो एज अ फैन, फुटबॉल फैन बहुत हर्ट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी को ऐसे लुकअप करते हो तो उसकी जो छवि होती है वो बयान करती है कि कैसे हो। और साथ ही में जब रोनाल्डो का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं एज अ पर्सन, मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, जिस चीज़ के लिए मैं स्टैंड करता हूँ उसके अगेंस्ट है, मेरी फैमिली है खुद की जिसकी 2 बच्चियाँ हैं, मेरी 2 डॉटर्स हैं उनकी। और आपको बता दें कि जॉर्जिना रॉड्रिगेज, जो करंट रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड है, उन्होंने भी रिसेंटली एक बच्ची को जन्म दिया है, तो ही इज़ अ प्राउड फादर ऑफ 4। लेकिन ऐसी छवि रही है रोनाल्डो की, बहुत ही रंगीले मिजाज के हैं वो, उनका अंदाज ही कुछ ऐसा है। रिसेंटली जब उनका क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर, जो उनका पहला सन है, उनकी भी माँ के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए थे, क्योंकि किसी को अभी कन्फर्म नहीं है कि उनकी माँ है कौन। और साथ ही में जब आपको याद होगा कि मैड्रिड में भी उन पर टैक्स फ्रॉड का आरोप लगा था, जब वो खेले रियल मैड्रिड से तो स्पेन की कोर्ट ने उनको बुलाया था, भले ही लास्ट ईयर उनको क्लीन शीट मिल गई थी, लेकिन ये दिखाता है कि जो रोनाल्डो का कैरेक्टर है, पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही सस्पिशियस रहते हैं और बहुत ही इस सब मामलों में घिरे रहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका, आपकी राय क्या है, आपको लगता है कि रोनाल्डो ने किया है ऐसा कुछ गलत काम या उनको फॉल्स एक्यूजेशन में लाया जा रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडियन स्पोर्ट्स।